दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत नहराधार के ठठारना गांव के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर चिंतित हैं। यहां के स्थानीय निवासी धर्मपाल और रघुवीर सिंह का कहना है कि यह ट्रांसफार्मर पिछले कई वर्षों से खुला पड़ा है। इसके चारों तरफ बिजली की तारें हैं। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ ना तो कोई सुरक्षा दीवार है, ना ही इसके चारों तरफ कोई कंटीली तारें लगाई गई है। यह ट्रांसफार्मर गाँव के लिए जाने वाले रास्ते पर है, जिससे दिन भर सैकड़ों लोग और पशु गुजरते हैं और ट्रांसफार्मर के पास ही आंगनबाड़ी भी है, जहां छोटे बच्चों का आना जाना लगा रहता है। यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है, उन्होंने इससे पहले कई बार प्रशासन को सूचित किया, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले सैकड़ों ग्रामीणों और बच्चों की जान को खतरा पैदा हुआ है। यहां के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ कोई सुरक्षा दीवार या कंटीली तारे लगाई जाए, ताकि कोई पशु या ग्रामीण किसी हादसे का शिकार ना हो। जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह, ग्राम पंचायत नौराधार का निवासी हूँ और मेरा पेशा जो है कृषक है। तो सबसे पहले तो जी, यहाँ एक तो आंगनबाड़ी है, छोटे बच्चे जो है रोज़ाना चौराहे पर है ना, फिर पशुओं का भी ये आम रास्ता है, इस वजह से भी दिक्कत होती है। यहाँ कभी ना कभी कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, तो इस वजह से जो हम पहले भी गुहार लगा चुके हैं डिपार्टमेंट से, परंतु उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। नमस्कार सर, मैं धर्मपाल हूं और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहां हमारी ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहां पे ये देखो, तारे भी यहां खुली छोड़ी हुई है और साथ में आंगनबाड़ी भी है, पशु का रास्ता भी है और ये चौराहे पर है हमारा ये ट्रांसफार्म। हम बिजली विभाग से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ अच्छे से प्रावधान किया जाए और यहाँ चारों साइड ये फेंसिंग की जाए, ताकि खतरा टल जाए यहाँ से, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ओपन है, यहाँ से जो ये हमारा ट्रांसफार्म लगा है यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पशु भी आते हैं पानी पीने के लिए, आंगनबाड़ी के लिए बच्चे भी आते हैं और ये एकमात्र रास्ता है हमारा। हमारा आना जाना इधर से ही लगा रहता है, पशुओं का भी और हमारा भी और बच्चों का भी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।